स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। पोंगल का त्योहार मुख्य रूप से सूर्य की उपासना के लिए जाना जाता है। पोंगल का त्योहार तमिलनाडु में पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्ट पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल कहते हैं। पोंगल के हर दिन अलग अलग परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। बता दें आपको कि आज के दिन जहां उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जा रही है, वहीं दक्षिण भारत में धूमधाम से पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। पोंगल का त्योहार चार दिनों तक चलता है। ये 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। मकर संक्रांति और लोहड़ी की तरह पोंगल भी फसल और किसानों का त्योहार है। चलिए बताते हैं पोंगल का महत्व। चार दिन तक चलने वाले पोंगल के त्योहार को तमिलनाडु में नए वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। यह त्योहार तमिल महीने तय की पहली तारीख से शुरू होता है। इस त्योहार में इंद्रदेव और सूर्य की उपासना की जाती है। पोंगल का त्योहार संपन्नता को समर्पित है। पोंगल में समृद्धि के लिए वर्षा, धूप और कृषि से संबंधित चीजों की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए बताते हैं कैसे मनाया जाता है पोंगल। पोंगल का त्योहार मुख्य रूप से सूर्य की उपासना के लिए जाना जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग सुबह उठकर स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं और नए बर्तन में दूध, चावल, काजू और गुड़ की चीजों से पोंगल नाम का भोजन बनाते हैं। सूर्य को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद को पोंगल कहते हैं। पूजा के बाद लोग एक दूसरे को पोंगल की बधाई देते हैं। चूंकि खेती बाड़ी करने वाले किसानों के लिए गाय बैलों का भी बड़ा महत्व है, इसलिए पोंगल के त्योहार पर इनकी भी पूजा की जाती है। किसान इस दिन अपनी बैलों को स्नान कराकर उन्हें सजाते हैं। इस दिन घर में मौजूद खराब वस्तुओं और चीजों को भी जलाया जाता है और नई वस्तुओं को घर लाया जाता है। कई लोग पोंगल के पर्व से पहले अपने घरों को खास तौर पर सजाते हैं। कितने दिन तक मनाया जाता है पोंगल का त्योहार, चलिए बताते हैं आपको। पोंगल का त्योहार तमिलनाडु में पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्ट पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल कहते हैं। पोंगल के हर दिन अलग अलग परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।